दोस्तों 2022 के बजट में फाइनेंशियल मिनिस्टर सीतारमन जी ने यह अनाउंस किया था कि इस साल के अंत तक भारत के पास अपनी डिजिटल करेंसी होगी और अब वो समय आ गया लगता है। इस डिजिटल करेंसी को CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि CBDC क्या है और कैसे काम करेगी। CBDC देश के सेंट्रल बैंक यानी RBI द्वारा लॉन्च की गई नेशनल करेंसी यानी भारतीय रुपया का डिजिटल रूप हो, इसे हम ई रूपी भी कह सकते हैं। तो ये सुनकर आपको कहीं ऐसा लग रहा होगा कि ये भारत की अपनी क्रिप्टो करेंसी है। नहीं, ई रूपी कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी, यह रुपया ही होगा बस डिजिटल फॉर्म। लेकिन हाँ, इसमें क्रिप्टो करेंसी के कुछ गुण जरूर होंगे। क्रिप्टो एक नॉन रेगुलेटेड करेंसी है जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है और ये पूरी तरह से ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। लेकिन ई रूपी RBI लॉन्च करेगा, जैसे RBI नोट और सिक्के लॉन्च करता है, और इस पर पूरी तरह से RBI का कंट्रोल होगा। CBDC क्रिप्टो से सिमिलर इसलिए है, पहले तो ये डिजिटल फॉर्म में लॉन्च की जा रही है और दूसरा, इसे अपने पास रखने के लिए आपको किसी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। इसे एक सेपरेट मोबाइल वॉलेट के जरिए सीधा आप अपने पास रख सकते हैं, जैसे कि क्रिप्टो में होता है। और इसमें वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन होगा, ना कि बैंक टू बैंक, बिल्कुल क्रिप्टो की तरह। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये डिजिटल करेंसी काम कैसे करे। ई रूपी को आप रुपया का डिजिटल अवतार भी मान सकते। अब आप कहेंगे कि वो तो डिजिटल रूप में मेरे पास पहले से ही है, जैसे मैं डिजिटल ट्रांजेक्शन करता हूँ अपने UPI से। तो देखिए, ऐसा नहीं है। जो भी हम डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं या जो आपका पैसा बैंक में पड़ा है, उसके पीछे असली कैश है, यानी कि इकोनॉमी में जो कैश फॉर्म में पैसा है उसे ही आपकी डिजिटल ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंट करती है। लेकिन ई रूपी के पीछे कोई कैश में पैसा नहीं है, इसे सीधा RBI लॉन्च करेगी। इसी तरह CBDC एक लीगल टेंडर है पर क्रिप्टो नहीं। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ई रूपी को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, कैश के रूप में पैसा छापना एक बहुत खर्चीला काम है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की नोट प्रिंट करने कॉस्ट 4,984 करोड़ रुपए थी, जो हर साल 3,000 करोड़ से 8,000 करोड़ तक चली जाती। इसी तरह इस कैश करेंसी को स्टोर करने की एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी भारी कॉस्ट होती। लेकिन अगर इंडिया के पास अपनी डिजिटल करेंसी है जिसे डिजिटल फॉर्म में ही इशू किया जाए, तो ये कॉस्ट हर साल बचेगी। इसके अलावा डिजिटल करेंसी डिजिटल लेन देन को बढ़ाएगी, जिससे करप्शन को कंट्रोल किया जा सकेगा, क्योंकि ये डिजिटल ट्रांजेक्शन ट्रेसेबल होती। इसी तरह क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन फास्ट और कम कॉस्ट पर होगी, क्योंकि बीच में बैंक जैसा कोई इंटरमीडियरी नहीं होगा। लेकिन ई रूपी का एक फायदा ये भी है कि वैसे तो ये वर्चुअल करेंसी है, पर अगर इमरजेंसी में आपको कैश की जरूरत पड़ जाए तो आप अपने वॉलेट में पड़े CBDC को कैश में कन्वर्ट करा सकते। इसके लिए सिस्टम अभी तैयार किए जाएंगे। और यही नहीं, आप अपनी डिजिटल करेंसी और वॉलेट के ऑफलाइन भी उपयोग कर सकेंगे, ताकि नो नेटवर्क एरिया में भी ट्रांजैक्शन की जा सके। इसी तरह यह बिजनेसेस एंड न्यू एज स्टार्टअप्स के लिए एक मौका है इस पर बेस्ड नए नए प्रोडक्ट्स लाना, जैसे कि UPI के समय पर हुआ था। UPI के आते ही फोन पे जैसे नए स्टार्टअप्स आने लगे और डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने लगे। पर एक और सवाल निकल कर आता है कि ई रूपी UPI से कैसे अलग। देखिए, UPI एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर जो भी ट्रांजैक्शन की जाती है वो फिजिकल कैश के जरिए बैक्ड होती है। लेकिन ई रूपी एक वर्चुअल करेंसी है जो कैश का ही डिजिटल रूप है, और इसके पीछे कोई फिजिकल कैश बैक नहीं है। ई रूपी यानी CBDC को दो फॉर्म में लॉन्च किया जाएगा, होलसेल जो कि बैंक्स के पास रहेगा जिससे इंटरबैंक ट्रांजैक्शन होगी, और रिटेल जो कि आम जनता और बिजनेसेस के लिए ट्रांजैक्शंस करेगी। होलसेल CBDC को पहले लॉन्च किया जाएगा, जिसमें बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस डिजिटल करेंसी की सप्लाई करेगा। उसके बाद बैंक्स के जरिए ये डिजिटल करेंसी आम जनता तक रिटेल CBDC के रूप में भेजे जाएंगे। इसके लिए भी सिस्टम अभी बनाए जाए। लेकिन CBDC कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत से पहले जमैका जैसे देश ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है और 105 से ज्यादा देश इस पर प्रोसेस कर रहे हैं। चीन जैसे देश भी अभी इस पर प्लानिंग प्रोसेस में ही कर रहे हैं, और रूस जैसे देशों में ये डेवलपमेंट स्टेज पर है। इस तरह इंडिया CBDC लॉन्च करने वाली शुरुआती देशों में एक बन जाए। बता दें कि CBDC के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। हालांकि CBDC लॉन्च करने के कुछ नुकसान भी माने जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा खतरा तो साइबर अटैक का है। इसके जरिए CBDC के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को
खतरा हो सकता है। और इसका एक और चैलेंज इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने की कॉस्ट भी रहेगी। पर जो भी हो, डिजिटल रुपया लॉन्च करने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा जरूर मिलेगा। डिजिटल रुपया एक और ज्यादा एफिशिएंट और सस्ती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली को भी बढ़ावा देगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आप इस सब्जेक्ट के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उस पर भी एक और वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।